नमस्ते, स्वाभिमानी माँ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मटका कुल्फ़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आइसक्रीम जो घर में झटपट बनकर तैयार हो जाती है और घर के ही कुछ ही सामानों से वो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब आइसक्रीम बनकर कुल्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है बिना किसी मेहनत के। तो चलिए हम ये आइसक्रीम, आप आइसक्रीम बोलिए कुल्फ़ी या फिर कुछ आइसक्रीम या कुल्फ़ी दोनों, वो जो भी है आइसक्रीम कुल्फ़ी, तो हम इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये आपको खाने में देख सकते हैं आप, बहुत ही टेस्टी लगेगी। मेरे घर में तो मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं मेरे हाथ के बनाए हुए ये आइसक्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये चार इलायची लेंगे हरी वाली, और इसे छीलकर एक मिक्सी जार में डाल देते हैं। फिर हमने थोड़े से ये बादाम लिए हैं, इसे भी इलायची के साथ मिक्सी जार में डालकर इसे पीस लेंगे, और इसे दरदरा पीसना है। ये हमने पीस लिया है। हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और एक बर्तन गैस पर रखेंगे। इसमें हम 4 बड़े टेबल स्पून चीनी डालेंगे और इसे मेल्ट होने तक पकाएंगे चम्मच से हिला हिला कर। डार्क ब्राउन कलर का हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा ये चीनी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें दूध, 1/2 लीटर दूध वो डाल देंगे। हमारा गैस का फ्लेम लो ही है और इसे अच्छे से चीनी के घोल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें हमारा जो पिसा हुआ बादामी इलायची का पाउडर था वो भी दूध में डाल देंगे और इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध की आधा होने तक हम इसे अच्छे से चला चला कर पकाएंगे। ये हमारा हो गया है। हम इसे गैस पर से नीचे उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे आइसक्रीम वाला जो हमारा है डब्बा, उसमें हम डाल देंगे। ये जो हमारा आइसक्रीम का घोल जो थोड़ा सा बच गया है, इसे हम एक डब्बे में, स्टील के डब्बे में भी डाल देंगे
और इससे अच्छे से पहले हम ढक्कन को अच्छे से पहले ढक देते हैं ढक्कन से आइसक्रीम को जमने के लिए। अब जो हमारा बचा हुआ है इसे एक टिफ़िन में डालकर टिफ़िन बंद कर देंगे। इन दोनों को हम अब फ्रीज़र में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। और हमारा आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, बाय बाय।